गायकी और गाने के बारे में जितना कहे उतना कम है। इसकी प्रशंसा में शब्द कम पड़ जाते हैं। कौन से पहलू की तारीफ करें? लता जी का वो आलाप जिससे गाने की शुरुआत होती है, या इस गाने का ऑर्केस्ट्रेशन जो इतनी अच्छी तरह से गाने को जोड़ता है, या इस गाने की लिरिक्स जो उमा की मनस्थिति को दर्शाते हैं। फ्रॉम अ डायरेक्टोरियल व्यू पॉइंट, दिस सॉन्ग इज द रियल टर्निंग पॉइंट ऑफ द मूवी। यहाँ उमा की लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि सुबीर को लोग इग्नोर करने लगते हैं और उमा को ज़्यादा पहचानने लगते हैं। ईर्ष्या के बीज अब सुबीर के मन में बोए जा चुके हैं। उमा के मन में ये पीड़ा है कि उसकी कामयाबी सुबीर और उमा के बीच दरारें पैदा कर रही हैं। इस गाने के दौरान उमा को नए अवार्ड्स मिलते हैं, फैन बेस बढ़ जाती है और सुबीर के अभिमान को ठेस पहुंचता है। और यहाँ पर हमें एसडी बर्मन के ब्रिलियंस का अच्छा परिचय मिलता है। एक गिटार पीस है जो इस गाने की विशेषता है। दिस पीस हैज एन अंडरटोन ऑफ जेलसी विच साउंड समथिंग लाइक दिस। आगे मूवी में जब सुबीर की ईर्ष्या और बढ़ जाती है तो यही पीस बैकग्राउंड में बजती है, पर उसमें एक दो नोट को थोड़ा बदला गया है। दैट पीस साउंड्स लाइक दिस। तेरे लिए नहीं यार, भाभी के लिए कहना। दो इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर, वी बिलीव दिस वाज अ कॉन्शियस एंड ब्रिलियंट पीस ऑफ म्यूजिक कंपोजिशन दैट वुड कन्वे द जेलसी एंड फॉल्स प्राइड ऑफ सुबीर। चलिए सुनते हैं ये गाना काजल जी की आवाज में। हा 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 हा
She